से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर वन देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में है। यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया हूं। महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार पास, बिहारी पास लड़ा। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की यह उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। पर साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनके घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई और किसी से नहीं। और चिराग पासवान ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कभी भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को झुकने नहीं दिया। ये चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत है, और यही ताकत हमें हमारे हक अधिकार दिलाती है। आज भैया, चिराग पासवान के साथ हर दल, हर नेता जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के साथ ये हर बिहारी खड़ा है जो बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट। और ये ताकत हम लोगों को हमारे सपने पूरा कराएगी। यही ताकत बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। बस यह आग्रह अंत में आप सबसे करूंगा कि बिना डरे हुए, बिना झुके हुए और बिना किसी के दबाव में आए हुए, सिर्फ एक लक्ष्य की ओर हम लोग को अग्रसर होना है, और वो लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाने का होगा। और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, जब तक बिहार को विकसित राज्य ना बना देना।
Aral, Kars Ordu, Kars Ordu, जो भी यहाँ वैशाली की धरती पे मौजूद है, वैशाली की धरती लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी कर्म भूमि नहीं है। ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगले 5 साल में वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों से करके जाता हूँ। पथ बदलेंगे, सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। चिराग पासवान, अकेला भी काफी है आप लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए। पर हाँ, आने वाले दिनों में नई ताकत के साथ, आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ, एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद आप लोगों की हर समस्या का समाधान करेगा। ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। इसी के साथ इस भारी संख्या में